राष्ट्र हित में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। नेता राहुल जी नहीं समझ पा रहे हैं देश की भावना को और सेना के आज जो पराक्रम है, शौर्य है भारत का, उसको नीचा करने का काम कर रहे थे। नमस्कार। एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले और सबूत मांगने वालों को करारा जवाब दिया है कांग्रेस बिहार प्रवक्ता विनोद शर्मा ने। कांग्रेस के विनोद शर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस को और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस होने पे आ रही है शर्म। उन्होंने कहा कि एयर स्ट्राइक पर प्रश्न उठाने वाले लोग सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नेताओं को शर्म आनी चाहिए क्यों वो एयर स्ट्राइक पे अपनी सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ ही सेना की क्षमताओं पर भी सवाल उठा रहे हैं। जहां एयर स्ट्राइक कर जवाबी कार्यवाही करी है सेना ने और पुलवामा के आतंकवाद को करारा जवाब दिया है, वहीं कांग्रेस के नेता इस पर सवाल उठा के पाकिस्तान और आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, साथ ही उनका समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ही विनोद शर्मा ने कहा कि मुझे कांग्रेसी होने पर शर्म आ रही है। हम लोग को सड़कों पर आजकल कहने लगे थे, पाकिस्तानी एजेंट की बात भी करने लगे, अंतरात्मा की आवाज उठी और हमने इस पार्टी से इस्तीफा देने का पूरी तरह से निर्णय लिया। तो एयर स्ट्राइक जिस तरीके से भारत की वायुसेना ने अपने पराक्रम को दिखाते हुए पहली बार 1971 के बाद वायुसेना जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट में पहुंचती है और जैसे मोहम्मद के कैंप को ध्वस्त करती है, लेकिन कांग्रेस के पार्टी के जो उनके मंसूबे हैं वो भी ध्वस्त हो गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी कल ये बात कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि हमारे लोग शहीद हो गए, तो उनका मतलब क्या था? भले वो बयान आपको भी दिखाएंगे हम। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सबूत, चाहे सिद्धू हो या राहुल गांधी ने भी इनडायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत मांगे, चाहे तमाम कांग्रेस के लीडर हो, क्योंकि इन्होंने आज तक सेना को इस तरीके से बनाया हुआ था कि कभी भी आतंकी घटनाएं होती थी तो कभी ऐसा स्टेप नहीं लिया जाता था, ऐसा बोल्ड कदम नहीं लिया जाता था कि जिससे आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। इसका खामियाजा ये हुआ कि हमारे पर लगातार आतंकवादी घटनाएं होती रही, लेकिन जब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जब आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति इन्होंने इस तरीके से की कि सबूत मांग रहे हैं, तो उसका बड़ा झटका लगा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं बिहार कांग्रेस के, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। विनोद शर्मा हैं कांग्रेस पार्टी के और उन्होंने कहा कि हमें तो लोग पाकिस्तानी एजेंट समझने लगे हैं और राहुल गांधी को ये बात समझ नहीं आ रही है कि कांग्रेस को कहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सच में ऐसी स्थिति बन गई है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी एजेंट समझने लगे। जिस तरीके से हमारे साथ मोहन सिंह रावत जी हैं, तो जिस तरीके से पाकिस्तान के चैनल में या जिस तरीके से वहाँ के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमारे को कांग्रेस बड़ा सपोर्ट कर रही है, तो जो कांग्रेस थ्योरी बता रही है, जो सबूत मांग रही, वही चीज़ पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारे इधर तो पेड़ गिराए, हमारे इधर कुछ नहीं हुआ, जबकि सच्चाई ये है कि बालाकोट में किसी को, कोई भी मीडिया किसी भी चैनल में आज तक, यहाँ तक कि पाकिस्तान के किसी चैनल ने वो जैसे मोहम्मद का मदरसा नहीं दिखाया है जहाँ पर ये इनका ट्रेनिंग कैंप था। अगर वो ट्रेनिंग कैंप ये दिखाते हैं, एक्चुअली ये जो स्पाइस बॉम है जो वो अंदर जाके ध्वस्त करता है, और जो अगर वो बिल्डिंग के अंदर गया होगा तो अंदर से पूरा साफ हो गया होगा, और उसको क्योंकि इन्होंने वहाँ के विदेश मंत्री ने जिस तरीके से कहा था कि हम अपने मीडिया को वहाँ, इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ ले जाएंगे, पर लगातार इतने दिन से, 10 दिन से ऊपर हो गया, कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं गया, ये बहाना बना रहे थे वहाँ का मौसम ख़राब है। तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी फंस गई है इस तरह के सवालों से? हाँ बिल्कुल, ये जो है देश में रह कर के और पूरा का पूरा ऐसे लग रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, उनके आतंकवादी उनके लिए काम कर रहे हैं, और इसका देश में जो है इनको बहुत बड़ा जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश की जनता समझ रही है, इनके जो है नेता और इनके तमाम जो लोग जो है उसमें सुगबुगाहट है कि भाई ये लोग जो है पार्टी नेतृत्व से खुश नहीं है, अपनी पार्टी अध्यक्ष से, क्योंकि एक मजबूरी हो जाती है
और उसमें उनको जो है एक अनुशासनात्मक तरीके से ना, धीरे धीरे सब जो जो ये पार्टी छोड़ करके वापस चले जाएंगे या ये इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि बदनामी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जैसे इनके कारनामे हैं उससे ये स्पष्ट लग रहा है कि ये लोग जो है पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अभी जो सरकार जो है काम कर रही है, देश की बात है, और हमारे सैनिक जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन सैनिकों पे और आप डिफेंस पे जो है इनको भरोसा नहीं है, सबूत सबूत चिल्ला रहे हैं। ये कांग्रेस ही नहीं है, जितने भी देश के अंदर में जितने भी पार्टियां हैं जो ये महागठबंधन की बात करते हैं, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे इनके जो है दिग्गज नेता हो कांग्रेस के, जो भी पार्टी जो भी विपक्ष में जितने भी रह रहे हैं, वो लोग सब सबूत मांगने वाली जो बात कर रही हैं, तो उससे जो है एक बहुत बैड मैसेज जा रहा है इन लोगों की पार्टी के लिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो ये सारी पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी और इनको जो है इस टाइप का जो है बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से लगा सकते हैं आपकी, आपने कभी भी देखा होगा इतनी सारी आतंकवादी घटनाएँ होती हैं, लेकिन ये बात मेरे मन में हमेशा सोचने में आती है कि राहुल गांधी आज तक एक बार भी आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोले हैं। इतना बड़ा पुलवामा अटैक हुआ, उरी में हुआ, मुंबई में हुआ, लेकिन राहुल गांधी का एक बयान आप यहाँ पे दिखा दीजिए जहाँ पे राहुल गांधी आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन के लिए बात कर रहे हो या आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए बात कर रहे हो। ये बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी, ये बात ज़रूर कहते हैं कि इनको हमारे सैनिकों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए या क्या शहीद का दर्जा मिलके क्या सैनिक बच पाएगा? इनको तो ये बोलना चाहिए कि हमें आतंकवादियों को समूल नाश करना है और ऐसे स्थिति पे लाना है कि जब हमारे सैनिक के खिलाफ कोई आतंकवादी या पाकिस्तान आंख उठा के भी नहीं देख पाएगा, कोई हाथ नहीं उठा पाएगा, ऐसी स्थिति लानी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी आज तक कभी इस बात को लेकर, इस टॉपिक को लेकर कभी नहीं बोले। ये बात वो हमेशा एक ही बात उठा रहे हैं, जबकि ये एयर स्ट्राइक हुई उसमें हमने देखा कि MiG-21 कितने साल पुराना एयरक्राफ्ट अभी भी यूज हो रहा है, लेकिन ये लोग अब भी चाहते हैं कि राफेल को रोका जाए। तो लगता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान के इमरान खान के दोस्त ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यही जो है देश के अंदर में ही यही मैसेज जा रहा है कि इतने जिम्मेदार पद पे जो है रहते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे रहते हुए, कभी भी जो है आतंकवादियों के खिलाफ कोई बात नहीं उठानी है। और अपने नेताओं को जो है पाकिस्तान, जब पिछली बार जो है इनके एक सांसद जो है पाकिस्तान गए थे, तो उन्होंने वहाँ के नेताओं के साथ जो है बातचीत हुई और उसमें ये सामने आया कि तुम हमें जो है मदद करो और हमारी सरकार आएगी तो हम जो है इस टाइप का जो है ऑपरेशन नहीं करेंगे जो भी है। तो उसमें लोगों को लगा कि भाई ये क्या हो रहा है इस तरह से जो है ना, तो ये लोग जो है बात भटकाने की बात करते हैं शहीदों का दर्जा। भाई देखो, जब शहीद हो रहे हैं, सेना काम कर रही है, तो वो ऑटोमेटिकली है कि वो कौन नहीं जाने गए, वो तो डाइवर्ट करने वाली बात है, वो तो होना ही है। वो तो सरकार का काम है कि भाई क्या करना चाहिए शहीदों को, जो है उनको क्या फैसिलिटी देनी है, क्या नहीं देना है। उनको शहीद का दर्जा तो ऑलरेडी मिलेगा, लेकिन उनको अपना श्रेय लेने के लिए कि भाई अब ये होने वाला है, वो तो होगा ही, जो शहीद होगा, जो देश के लिए कुर्बान होगा, तो वो तो शहीद होगा ही, उसको तो मिलना ही है। तो वो अनावश्यक जो है जो मिशन है उसको सपोर्ट करने के बजाय जो है वो अनाप शनाप बयानबाजी करके और लोगों का ध्यान हटा रहे हैं और सरकार का मनोबल गिरा रहे हैं, सेनाओं का मनोबल गिरा रहे हैं, और जो मिशन चल रहा है उस पे जो है पब्लिक का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका फ़ायदा जो है पाकिस्तान को होगा और वहाँ के जो आतंकवादी हैं उनको होगा। जिस तरीके से राहुल गांधी इस तरीके के सवाल कर रहे हैं, चाहे उनकी पार्टी कर रही हो, और आपने सबसे पहले बयान देखा होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू कितनी नीचता पे उतर आए, और वो वही बात कह रहे थे जो पाकिस्तान के सेना के प्रमुख के प्रवक्ता कह रहे थे गफूर, तो वो यही बात पाकिस्तान की बात यहाँ पे कह रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को भी समझ आ गया कि सिद्धू उनके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो गया है, इस वजह से उन्होंने अपनी रैली में अब सिद्धू को बोलने की इजाज़त नहीं दी है। और ये सिद्धू वही है जो अब कभी तो
इतना गालियां देते थे कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कभी उनके मंच में, उनकी चाटुकारिता में, उनकी चमचागिरी करने में पूरी सीमाएं लांग गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उल्टी सीधी गालियां देने लग गए। लेकिन अब आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने उनको भी समझ में आ गया कि सिद्धू किसी का काम का नहीं है, ना घर का ना घाट का। तो सिद्धू के लिए भी राजनीतिक सिद्धू का पतन हो चुका है, ऑलरेडी वो कपिल शर्मा के शो से बाहर जा चुके हैं। और जिस तरीके से अब कांग्रेस के लीडर एक के बाद एक जिनको जो देश प्रेम करते हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, तो क्या लगता है जो अभी भी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री बताना चाहते हैं, किस तरीके से सेना पर सवाल उठाते हैं, तो क्या वो कांग्रेस छोड़ेंगे? अब उन पे बात है, उनके लिए क्या देश बड़ा है या राहुल गांधी, ये तो वो जाने। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की नैया डूबनी तय है, क्योंकि उन्होंने सेना पर सवाल उठाया। नमस्कार, जय हिंद। वहीं सी वोटर सर्वे में ये सामने आया है जिसमें बीजेपी के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है और भारी गिरावट आई है लोकप्रियता में, जो कि है राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बार बार एयर स्ट्राइक पर सवाल करते हैं, वहीं उनके कुछ मंत्री पुलवामा आतंकवादी अटैक को दुर्घटना बता देते हैं, वहीं उनकी लोकप्रियता लगातार गिरती रह रही है, जिसके बाद से 23% लोकप्रियता से राहुल गांधी की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है, जो कि सिर्फ महज 16% रह गई है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि 58% से बढ़कर 62% हो गई है। लोगों ने पहला विकल्प जो प्रधानमंत्री के रूप में चुना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है। जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है कि जनता किस पर विश्वास करती है, और इसके साथ साथ ही पुलवामा अटैक के बाद जो जवाबी कार्यवाही करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वायुसेना ने पाकिस्तान में, उससे जनता काफी खुश है, और जिसकी वजह से जनता काफी पसंद कर रही है नरेंद्र मोदी को।